नमस्कार, जय स्वामीनारायण। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ के व्याकरण पढ़ाऊंगी। विषय है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग के विषय पे आने से पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता है कि उपसर्ग में कुछ नए आगे शब्द जुड़ते हैं तो वो उपसर्ग बनते हैं। हम जानते हैं अनेक शब्द जो होते हैं वो अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उन मूल शब्द के आगे हम कुछ शब्दांश लगा दें तो क्या होता है, एक नए शब्द का निर्माण होता है और उनके अर्थ में भी अंतर यानी अर्थ उसका बदल जाता है। जैसे हम पहले अब उस उपसर्ग की परिभाषा पे आते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर, जो हमारा मूल शब्द है उसके पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी जो हमारा मूल शब्द है, हमारा मूल शब्द जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो मूल शब्द है उसमें अगर हम कुछ शब्दांश जोड़ दे तो क्या होगा, एक नया शब्द बनेगा और उसके शब्द के उसके अर्थ में भी परिवर्तन होगा। चलिए हम यहाँ पर जैसे ले लेते हैं अ, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे क्या लेंगे, अ उपसर्ग। मान लीजिए हमने अ लगाया तो अ से हमारा मूल शब्द क्या है, ज्ञान। हमने अ लगाया, ज्ञान के आगे हमने क्या लगाया, विद्यार्थियों ध्यान रखिए उपसर्ग, उपसर्ग में हमेशा मूल शब्द के जो पहले अक्षर शब्दांश जो लगते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा रही फिर से, ज्ञान हमारा मूल शब्द क्या है, ज्ञान, लेकिन हमने शब्द क्या लिया, उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, अ। अ से क्या बना, हमने अगर अ लगाया तो हमने ज्ञान के आगे अ लगाने से क्या बन गया, हमारा नया शब्द अज्ञान। हमारा नया शब्द क्या बन रहा है, अज्ञान। फिर हमने नीति, हमारा मूल शब्द क्या है, नीति, उसमें भी हमने उसके आगे अ शब्दांश लगाया तो क्या हुआ, हमारा हो जाएगा अनीति। क्या हो जाएगा हमारा, अनीति। अब हमारा तीसरा शब्द है सत्य, हमारा तीसरा मूल शब्द क्या है, सत्य। अगर हमने सत्य यानी सच्चाई अगर उसके आगे हमने अ लगा दिया तो हमारा क्या बन गया, असत्य। क्या बन गया हमारा, असत्य। परिभाषा पे फिर से जाएंगे, ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले यानी जो हमारा मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया हमने क्या लिया है, मूल शब्द के आगे क्या लिया, हमने उपसर्ग में अ लिया, यानी अ हमारा क्या हो गया, शब्दांश। तो जुड़कर क्या बनाता है, हमारे नए शब्द बनाता है और उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देता है। समझ में आ गया आपको यहाँ पे विद्यार्थियों, ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण में हमने क्या लिखा, पहले उपसर्ग, पहले हमारा क्या आएगा, मूल शब्द नया शब्द और हमने उपसर्ग में क्या लिया, अ। हमारे मूल शब्द क्या क्या थे, ज्ञान, नीति, असत्य। ज्ञान के आगे हमने अ लगाया यानी हमने क्या लगाया, अ उपसर्ग लिया यानी अ शब्द लिया, तो क्या हो गया हमारा, अज्ञान। नीति यानी अनीति, हमारे अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। और सत्य यानी असत्य। आइए अब हम आगे चलते हैं। हम यहां पर उपसर्ग के प्रकार जानेंगे। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग के प्रकार यानी उपसर्ग के जैसे संज्ञा के प्रकार होते हैं, विशेषण भी पढ़ा होगा, तो वैसे ही उपसर्ग के भी प्रकार होते हैं। उपसर्ग के चार प्रकार होते हैं। पहला कौन सा, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग
और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग हम पहले कौन से लेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। पहले हमारा क्या होगा प्रकार में? पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा मैंने क्या बताया आपको? हिंदी के उपसर्ग, तीसरा क्या बताया मैंने आपको? उर्दू के उपसर्ग, और चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम यहाँ पर उपसर्ग में सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत से ही हिंदी बना है, यानी हमारा पहला महत्वपूर्ण उपसर्ग क्या होगा? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। अब हम आइए पहले लिखेंगे उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण उसके। उपसर्ग, उसका अर्थ क्या होता है और उससे बनने वाले हमारे शब्द। यानी यहां पर मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रही हूं कि उपसर्ग जो मैं हमारा मूल शब्द है उसके जो अर्थ आएंगे वो हमारे उपसर्ग के अर्थ और उनसे बनने वाले हमारे शब्द। पहला है हमारा उपसर्ग अ। पहला उपसर्ग हमारा क्या हुआ? अ। अ का अर्थ होता है नहीं या अभाव। अ का अर्थ हुआ हमारा नहीं या अभाव। अब हम उससे सब नए शब्द बनाएंगे, क्या होगा? अखंड, अनाथ, अज्ञान। यानी हमारा शब्द क्या था? हमने मान लीजिए खंड था, उसके आगे लगाया तो क्या होगा? अखंड हो गया। नाथ था, उसके आगे हमने क्या उपसर्ग लगाया? अ लगाया, अनाथ हो गया। ज्ञान था, ज्ञान के आगे हमने क्या लगाया उपसर्ग? अ, तो क्या हो गया? अज्ञान। लेकिन अब हम क्या है, अ का अर्थ हमने क्या समझा? नहीं या अभाव। अब हम लेंगे दूसरा शब्द अति। अति का अति उपसर्ग लेंगे। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। अब उसके उससे संबंध बनने वाले शब्द हम देखेंगे। अत्यंत, अत्यंत, अत्यधिक, और अत्याचार। अत्यंत, अत्यधिक और अत्याचार, ठीक है। हमने अति का अर्थ क्या बताया? अधिक। अत्यंत यानी बहुत ज्यादा, अत्यधिक उससे ज्यादा, और अत्याचार यानी हम किसी पर क्या करते हैं? अत्याचार यानी उस पर हम उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको बहुत सताते हैं, यानी उसका अर्थ ये हुआ। अब हम तीसरा शब्द लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग में अधि। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर,
समीप यानी पास में और बड़ा। क्या हुआ? ऊपर, समीप और बड़ा, उससे अब बनने वाले शब्द होंगे अधिकार, अध्यक्ष, अधिकारी। क्या हमारे नए शब्द बने यहाँ पे? ध्यान दीजिए, अधि से अधिकार अर्थ क्या हुआ हमारा? ऊपर, समीप या बड़ा, ये तीन अर्थ होते हैं। अब इसमें क्या होगा? अधि से हमने क्या, कार है, उसके आगे हमने क्या लगाया? अधि, तो क्या बन गया हमारा? अधिकार। यक्ष है तो हमने क्या लगाया? अध, अध लगा दिया उपसर्ग, तो क्या हमारा बन गया? अध्यक्ष। कारी यानी हमने अधि लगाया तो क्या बन गया हमारा? अर्थ हो गया अधिकारी। यानी इनके जो मूल शब्द है उसके अर्थ, मूल शब्द का जो अर्थ है और उपसर्ग लगाने के बाद क्या मूल शब्द तो परिवर्तित हो रहा है और उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जा रहा है, यानी वो अर्थ भी उसका बदल दे रहा है। आइए कुछ उदाहरण और हम जानते हैं संस्कृत के ही। नेक्स्ट लेते हैं अभी। हमेशा ये एग्जाम में भी याद रहते हैं अभी। अभी का अर्थ होता है सामने। अभी का अर्थ क्या हुआ? सामने। अब उससे एक नया शब्द क्या बन रहे हैं? अभिलाषा। क्या बना? अभिलाषा, अभिमान और अभियोग। क्या बना? अभी लगाने से हमारा क्या बना अर्थ? क्या आया? सामने, अभिलाषा, अभिमान, अभियोग। यानी क्या था? लाशा था तो अभी लगा, अभिलाषा बन गया। मान था, अभी लगा तो अभिमान बन गया। योग था तो यानी अभी लगाया तो क्या बन गया हमारा अर्थ निकला? अभियोग। ठीक है, एक शब्द और लेते हैं अव। अव का अर्थ होता है बुरा या नीचे। क्या होगा अव का अर्थ हमारा? बुरा या नीचे। अब इससे बनने वाले शब्द को देखेंगे अवगुण, अवनति, सॉरी अवनीत और अवतरण। समझ में आया विद्यार्थियों? अव से क्या होता है अर्थ? बुरा, नीचे, उसका उदाहरण हुआ अवगुण, अवनीत और अवतरण। अब आइए, अब हम जानते हैं हिंदी के उपसर्ग। आगे क्या पढ़ेंगे हम? सेकंड हमारा उदाहरण प्रकार में क्या था? हिंदी के उपसर्ग। दूसरा प्रकार हिंदी के उपसर्ग। अब इसमें भी जानेंगे उसी तरह क्या लिखेंगे। पहले हम यहां पे उपसर्ग जो हम लगाएंगे शब्द के पहले, फिर उसका अर्थ क्या होता है वो जानेंगे, उसके बाद उससे बनने वाले शब्द यानी उदाहरण यानी उसके बनने वाले यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे। चलिए अब हम हिंदी के उपसर्ग में जानते हैं पहला शब्द अध। अध का अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ क्या हुआ? आधा। अब हम उससे शब्द बनाएंगे अध पक्का, यानी पक्का मीन्स पका, पूरा पका हुआ, और अध पका मतलब कि आधा पका हुआ यानी वो कम पका हुआ है। फिर अध खिला, अध खिला यानी क्या होता है? फूल पूरे खिले होते हैं,
अगर फूल हल्का हल्का जैसे गुलाब खिलता है, गुलाब की अंकुर देखा है, गुलाब क्या होता है धीरे धीरे खुलता है, यानी पूरा नहीं खुला हुआ, यानी पूरा खिला नहीं है फूल, तो वो क्या कहेंगे उसको, अध खिला। ठीक है, यानी हमने आधा, अध का अर्थ होता है आधा, उससे बने वाला शब्द क्या है, अध पका अध खिला। अब दूसरा शब्द लेते हैं अन। अन से क्या बना, अन का अर्थ क्या होगा, अभाव या निषेध। से शब्द क्या बनेंगे, अनपढ़, अनजान, और अनबन। क्या बना शब्द, पहले लेंगे फिर से शुरू करते हैं, अध से क्या बन होता है अर्थ उसका आधा, आधा से क्या बना, अध पका अध खिला, अन्न से क्या बना, अभाव निषेध, यानी अनपढ़ अना अनजान और अनबन। तीसरा लेते हैं भर। भर का अर्थ होता है पूरा। अब उसमें क्या होगा, भर पेट, यानी पेट क्या है, स्टमक, यानी हमारा पेट, उसमें क्या होगा, हम जब खाना क्या कहते हैं ना, हमारा पेट भर गया, यानी क्या हुआ फिर हमारा, भर पेट। नेक्स्ट लेंगे भरसक, और तीसरा शब्द लेंगे भरपूर। समझ में आया विद्यार्थियों, भर शब्द लिया उसका अर्थ क्या हुआ, पूरा, यानी भर पेट, भरसक और क्या हुआ, भरपूर। चौथा शब्द लेंगे, आगे चलते हैं कू। कू का अर्थ होता है बुरा। कू का अर्थ हुआ हमारा क्या हुआ, बुरा। बुरा क्या होगा, कुचाल। उससे क्या अर्थ, क्या शब्द, नया शब्द बन रहा है, कुचाल, कुचैला और कुढ़ंग। क्या बना हमारा, कु से बुरा, उसका अर्थ होता है कुचाल, कुचैला और कुढ़ंग। अब हम आते हैं तीसरे उपसर्ग पर। तीसरा उपसर्ग हमारा कौन सा है, उर्दू के उपसर्ग। जी हाँ, तीसरा उपसर्ग हमारा क्या है, उर्दू के उपसर्ग। उसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। हमारा तीसरा उपसर्ग है प्रकार में उर्दू के उपसर्ग। अब इसके भी हम कुछ उदाहरण ध्यान देंगे यहाँ पे। पहले इसमें भी क्या लिखेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, उपसर्ग, यानी जो हम उपसर्ग उसके आगे जोड़ने वाले, मूल शब्द के पहले जो हम जोड़ने वाले हैं वह लेंगे। फिर क्या लेंगे, उसका अर्थ क्या निकलता है, जो हम उपसर्ग के शब्द का अर्थ क्या निकलता है, उसके बाद हम लेंगे उदाहरण, यानी उससे बनने वाले हमारे शब्द। चलिए अब हम उपसर्ग में लेते हैं कम। उर्दू के उपसर्ग में लेते हैं कम। कम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। कम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। अब उससे शब्द क्या बन रहा है, कम उम्र, यानी उम्र क्या है उसकी, कम है। फिर कमजोर, और कम अकल, कम अक्ल, यानी यहां पे क्या हुआ हमारा, उपसर्ग में उर्दू के कम यानी थोड़ा, और क्या बना, कम उम्र, कमजोर और कम अक्ल। दूसरा लेते हैं उपसर्ग बे। बे का अर्थ होता है रहित। बे का अर्थ क्या हो बता रहे हैं, रहित। उपसर्ग लगा के शब्द क्या बन रहा है, बेईमान, बेचारा और बेवकूफ। देखिए अब हमारे मूल शब्दों में भी ही क्या हो रहा है, हमारा मूल शब्द तो है, उसके बाद हम जो शब्द लगा रहे हैं, ईमान,
ईमान के आगे हमने बे लगाया तो क्या होगा, बेईमान। यानी मूल शब्द के आगे हम जब उपसर्ग लगाते हैं तो उनके क्या हुआ, अर्थ में भी परिवर्तन होता जा रहा है। तीसरा, खुश। खुश का क्या होगा, अच्छा। अच्छा यानी क्या होगा, खुशबू। ठीक है, फिर खुशखबरी। खुश खबरी, समझ में आया विद्यार्थियों। यानी क्या है, हमारे मूल शब्द में बार बार मैं वही आपको बता रही हूँ कि मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द तो परिवर्तित होता ही है। यानी शब्दांश जब जोड़ते हैं तो शब्द परिवर्तन हो गया और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। चौथा शब्द लेते हैं सर। सर मतलब मुख्य। सर का अर्थ क्या होगा, मुख्य। उससे क्या बनेगा, सरकार। नया शब्द क्या बनकर उभर कर आ रहा है, सरकार, सरहद और सरदार। ठीक है विद्यार्थियों, हमने क्या जाना, हमने पहले पढ़ा संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा हमने उपसर्ग के प्रकार में क्या जाना, हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा क्या जाना हमने, संस्कृत के उपसर्ग। समझ में आया विद्यार्थियों, एक बार आप ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। कम का अर्थ हुआ थोड़ा, शब्द क्या बना, कम उम्र, कमजोर और कम अक्ल। बे का अर्थ क्या हुआ, रहित, बेईमान, बेचारा, बेकूफ। खुश का अर्थ क्या हुआ, अच्छा, खुशबू, खुशबू, खुशखबरी। सर का अर्थ क्या हुआ, मुख्य, सरकार, सरहद, सरदार। अब हमारा अंतिम उपसर्ग आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। हमारा चौथा प्रकार क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम अंतिम प्रकार को जानेंगे क्या है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, उपसर्ग, उससे बनने, उससे जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ, और जो उससे शब्द बनेगा वो हम उदाहरण में लेंगे। चलिए अब हम अंग्रेजी के अंतिम हमारा उपप्रकार जानते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम पहला शब्द लेते हैं सब। सब का अर्थ क्या होगा, अधीन। यानी किसी के हम अंडर में काम करें वो अधीन या नीचे, अधीन या नीचे। अब क्या बनेगा उसका उदाहरण, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या सब जज। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं डिप्टी। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ क्या होगा, सहायक। डिप्टी का अर्थ क्या हुआ, सहायक। सहायक में क्या लिखेंगे, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, सब यानी उसका अर्थ क्या हुआ, अधीन। अधीन का अर्थ के क्या हुआ, नीचे, दोनों अर्थ होते हैं। और फिर हमने क्या नया शब्द बनाया है, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर है लेकिन आगे क्या लग गया, सब लग गया, तो क्या हो गया, सब जज तो है लेकिन आगे सब लगाने क्या हो गया, सब जज। फिर है नेक्स्ट डिप्टी। डिप्टी यानी सहायक, यानी हेल्प करने वाले, तो क्या हो गया, कलेक्टर तो है लेकिन उसका क्या है, उसके एक कलेक्टर था, एक उनके क्या सहायक होते, तो क्या हो गया, डिप्टी कलेक्टर, यानी क्या हो गया, सहायक कलेक्टर बोलेंगे उनको। तीसरा है वाइस।
तीसरा है वाइस, वाइस का भी अर्थ होगा सहायक। जैसे वाइस चांसलर, ठीक है, वाइस चांसलर या वाइस कैप्टन। या वाइस कैप्टन, जैसे हमने बोलते ना प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, और उसके नीचे क्या आते हैं उप प्रधानाचार्य यानी वाइस प्रिंसिपल, वैसे ही यहाँ पे हो गया। वाइस का अर्थ क्या होगा सहायक, मतलब प्रधानाचार्य हैं उनके सहायक क्या है उप प्रधानाचार्य, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, लास्ट हम लेते हैं उदाहरण में चीफ। लास्ट उदाहरण क्या है हमारा चीफ, चीफ का अर्थ क्या होगा प्रमुख, चीफ का अर्थ होगा प्रमुख। ठीक है, अब क्या होगा अर्थ क्या बनाएंगे हम, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। आया विद्यार्थियों आपको समझ में, यानी अंग्रेजी के उपसर्ग में क्या हुआ सब यानी अधीन यानी नीचे अर्थ निकलेगा, इंस्पेक्टर है लेकिन आगे सब लग गया तो क्या हो गया सब इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी यानी सहायक, डिप्टी कलेक्टर, वाइस यानी उसका अर्थ क्या हुआ सहायक, और क्या चांसलर तो है लेकिन उसके आगे वाइस लगा दिया तो वाइस चांसलर बन गया, चीफ यानी प्रमुख यानी चीफ मिनिस्टर। यानी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने उपसर्ग की परिभाषा जानी, उदाहरण समझा और उपसर्ग के प्रकार जाने, प्रकार यानी उपसर्ग कितने प्रकार मैंने बताए चार प्रकार के, कौन कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। अब हम इसके बाद प्रश्न लिखेंगे और आप उससे अपने नोटबुक में लिखेंगे। कुछ प्रश्न दे रहे हैं विद्यार्थी, घर पे ही हल करेंगे उसको। प्रश्न एक है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग अलग कीजिए। आपको मैं इसमें प्रश्न कुछ शब्द दे रही हूं, क्या पूछा उसके अंदर शब्दों में से मूल शब्द आपको अलग करना यानी उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द भी बताने आपको। जैसे उपकार का मूल शब्द क्या होगा अलग करिए, प्रख्यात संकल्प विदेश अनुकूल प्रत्येक अनुकरण लाजवाब और आचरण।
ठीक है विद्यार्थियों, आपको क्या बताना, नीचे दिए गए जो ये शब्द दिए गए हैं इनके मूल शब्द क्या हैं, इनका वास्तविक शब्द क्या है और उपसर्ग इसमें क्या है। उपसर्ग इसमें मूल शब्द में उपसर्ग क्या लगा और मूल शब्द क्या, उनको अलग अलग करके आपको लिखना है। ठीक, धन्यवाद।